हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टंबल गाइस वीडियो। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एक और चैलेंज में, जो कि है हमारा अरेस्टिंग पंचर चैलेंज, जिसमें आपको मालूम ही है कि जो भी पंच मारता है, मुक्का मारता है, लात मारता है, नूबर होता है, उसको हम अरेस्ट कर लेते हैं। गाइस, अरेस्ट का मतलब हम लोग उसको मारते हैं पकड़ के और कोशिश करते हैं कि वो जीत नहीं पाए, जैसे कि अभी एक को मैंने मारा वैसे ही। तो गाइस, यहाँ पे सामने एक और बंदा है EXSenseID, इसको हमें मारना है और कोशिश करनी है कि जीत नहीं पाए भाई, लेकिन ये बहुत ही आगे मेरे से, देखते हैं मैं इसको पकड़ पाता हूँ कि नहीं। यार बहुत ज़्यादा दूर है ये, लेकिन हम लोग को बाकी लोग को भी अरेस्ट करना है गाइस, सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देना। कोई भी न्यू बर्ड एक ही मैच जीत ना पाए, इसकी हमें पूरी गारंटी करनी है। तो यहाँ सामने से कोई आया, लेकिन ये नूबर नहीं है, और देखते हैं कौन है नूबर जो आता है इधर, और उसको क्वालिफाई करने नहीं देना है। एक वाइट स्केलेटन भी है गाइस, तो यहाँ पे एक सेंटा क्लॉज भी है, इसको मैं बाहर कर सकता नहीं हूँ ज़्यादातर। तो गाइस, तीन चार लोग दिख चुके हैं मुझे नूबर, इनको हम लोग बाद में देखेंगे। तो दूसरे राउंड में आ चुका है गाइस आईसी हाइट्स। तो यहाँ पर जो नूबर हमने देखे थे उनको बाहर करने की प्रक्रिया चालू की जाएगा इस, लेकिन एक भी मुझे दिख क्यों नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ गए वो लोग। यार ये एक तो ये दिख गया, ये एस्ट्रोनॉट भाई, इसको मैं बाद में बताता हूँ। गाइस, यहाँ पे बहुत भीड़ है, पहले मुझे थोड़ा आगे तक जाना पड़ेगा और उसके मैं आगे निकल जाऊँ ना, फिर इनको पीछे मुड़ के भी हम लोग बता सकते हैं। तो अभी बिल्कुल आगे तक चलते हैं गाइस और देखते हैं। एक तो मैं भूल गया यार कि और कौन था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। यहाँ पर रुक के अगर कोई आए तो ठीक है, नहीं यार मैं खुद बाहर हो जाऊँगा गाइस, मुझे अंदर जाना चाहिए पहले। तो यहाँ पे हम लोग फाइनल में आ चुके हैं गाइस, और हमें कोशिश करनी है, ये लोग नहीं जीत पाए तो पहले तो इस एस्ट्रोनॉट का काम लगाना पड़ेगा। लेकिन ये मेरे पीछे था भाई, जिसके कारण इसको फायदा मिल गया और इसने मुझे किक मार दी, लेकिन मुझे जल्दी से यार ओवरटेक करना पड़ेगा इसको। ओवरटेक नहीं मतलब इसको नीचे गिराना है, ताकि ये जीत नहीं पाए कुछ भी होके। थोड़ा आगे ये, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा भाई, मेरे पीछे भी नूबड़ आ रहा है यार, सामने नूबड़ पीछे नूबड़, कितनों को मारूं मैं इसको भी, अगर मैं मारता हूं तो पीछे वाला जीत जाएगा, इसलिए मुझे अब दोनों को ही जीतने नहीं देना है गाइस। पहले तो इसको बताता हूं भाई, मेरी लात लग नहीं रही यार, थोड़ा सा मिस हो जा रहा है हर बार। बीच वाला गेट टूट चुका है, तो मेरे को खाली जगह मिल गई और इसी के साथ मैं आ गया हूँ फर्स्ट पे, और इसी के साथ गाइस जीत चुके हैं, नूबड़ को नहीं जीतने दिया हमने। तो इधर न्यू गेम में आ चुके हैं हम लोग, और हमें नए नए नूबड़ देखने हैं गाइस। तो देखते हो यहाँ पे कौन है जिसको हमें अरेस्ट करना है, कि सामने वाले मुर्गे ने अच्छा खासा रास्ता बना दिया है। यहाँ टाइल बॉल में तो बहुत सारे लोग दिख जाएंगे मुझे, एक मुझे दिख गया ये रहा, जो कि खुद भाई एक दूसरा पुलिस वाला हो के या जो भी है, ये फॉरेस्ट ऑफिसर भाई, खुद नूबल निकला भाई। तो इन सबको मुझे देखना पड़ेगा। एक और बंदा कोई था यार, कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी शक्ल क्लियरली दिख है नहीं, तो इन लोग को बाद में देखेंगे गाइस। बाकी इस फॉरेस्ट ऑफिसर को बाहर करो पहले, तो ये खुद नूबल है भाई, बहुत ही बड़ा वाला। अच्छा, एक वाइट स्केलेटन भी है। तो यहाँ सेकेंड राउंड में आ चुका है गाइस ब्लॉक डैश, और यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि उन दोनों को हम लोग बाहर ही कर दें, ताकि लोग फाइनल तक आ भी नहीं पाए और हमारा जो काम है वो बहुत ही ईजी हो जाए गाइस। तो भाई यहाँ पे मैं बाहर होने वाला था, लेकिन बच गया हूँ मैं, और वो दोनों कहाँ हैं भाई। ये दोनों कंटिन्यूसली लोगों को परेशान कर रहे हैं, इनको अरेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। तो लेकिन मेरे हाथ में आ नहीं रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्लिपरी जगह है, तो मेरे हाथ में ये लोग आ जाए बस एक बार, तो मैं बाहर कर दूँ इन लोग को। भाई ये लोग आपस में भी लड़ रहे हैं दोनों, तो मतलब इनकी आपस में भी दुश्मनी है गाइस, देख रहे हो, मतलब पूरी पिटाई चल रही है एक दूसरे की। और यहाँ पे शायद मैं बाहर कर सकता हूँ इन लोग को, लेकिन लोग दिख नहीं रहे। ये रहा भाई, ये रहा, वो थोड़ा पीछे रह गया। ओह, वो खुद ही आगे गिर गया गाइस, किसी और को मारने के चक्कर में। तो यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर भी बाहर और वाइट स्केलेटन भी बाहर, तो दोनों नूबड़ों को हमने बाहर कर दिया गाइस, और इसी के साथ हमारा काम पूरा हो चुका है यहाँ का। लेकिन हमें फाइनल में देखना पड़ेगा गाइस, अगर कोई और नूबड़ बचा हो जो कि सीक्रेट नूबड़ हो, अभी तक रिमोट निकाला नहीं हो, तो उसका हमें बाहर करना पड़ेगा। अभी तक तो मुझे दिखा है नहीं, लेकिन देखते अगर दिखता है क्या ये पांडा या रेसर में से कोई हो, वैसे ये अगर हो या ग्रीन एलियन, कोई भी हो सकता है गाइस, कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी ने मारा नहीं है, तो शायद नहीं होगा। तो क्या करेगा इससे, हमारे खेलने का कुछ मतलब बनता है नहीं, लेकिन तब भी ट्राई करते, अगर हम लोग ऐसी जीत पाए तो ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या जाएगा गाइस, एटलीस्ट एक ईमानदार पुलिस वाला ही जीत जाए तो ही काफ़ी रहेगा भाई, हमें एक अवार्ड तो मिल जाएगा। ये पीछे से कौन आ रहा है भाई, यहाँ पीछे से कोई आ रहा है, ग्रीन एलियन आ रहा है। अच्छा ठीक है भाई, आ जा भाई, तू भी क्या ही करेगा, आ जाओ जल्दी। वैसे इसके पास वाइट गाड़ी है, ये तेज जा सकता है मेरे से, और आ भी रहा है भाई, इसने ओवरटेक मार दी, इसकी गाड़ी इतनी तेज कैसे जा रही है। एक तो इसमें यार हर गाड़ी मुझे लगता है कि कुछ तेज है, जैसे वाइट और ब्लू गाइस मुझे बहुत तेज लगती है, इसने ऐसा ओवरटेक मारा है मुझे, ये जीत ही गया है। ठीक है भाई, लेकिन तो यहाँ पे न्यू गेम में आ चुके हैं हम लोग गाइस, और नए नूबड़ की तलाश है।
देखते हैं कितने अनुमान निकलते हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे अभी तक तो कोई निकला है नहीं। ये ग्रीन स्केलेटन हो सकता है गाइस, हो सकता है क्योंकि इसके पास सब है भाई जो होना चाहिए। मतलब फुटस्टेप तो नहीं है शायद, लेकिन ये क्या, अच्छा ये फुटस्टेप ही तो है भाई, यार मैं भूल गया यार, ये फुटस्टेप ही तो है। ये रेनबो, मुझे लगा कि ये फुटस्टेप नहीं है। तो गाइस फुटस्टेप है तो शायद इसके पास रिमोट भी हो, देखते हैं अभी चेक हो जाएगा। ये देखो गाइस निकला ना, नोबर्ड निकला, रुक जा अंदर चला गया, इसको बाद में देखेंगे हम लोग। यहाँ से देखते अगर कोई आ रहा है भाई। सुपरमैन भी है क्या सास्के, इसने मारा अभी एक बनाना इमोट गाइस। तो यहाँ पे दो नंबर दिख चुके हैं हम लोग को। तो इस मैप में तो यार मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता दोनों को रोकने के लिए, लेकिन देखते अगर हम लोग आधे राउंड में कुछ कर पाए तो ज़रूर करेंगे। वैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा अटक गया था लेकिन तब भी निकल के आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा रोक नहीं सकता इन दोनों को, बस इतना ही कर सकता था। अब तो ये दोनों निकल चुके हैं। वैसे एक स्केलेटन निकल चुका है, वो सुपरमैन का है मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे मैं घुमा के अगर दे दूँ इसमें तो काफ़ी देगा, लेकिन बच के निकल गया है। तो अब तो ये निकल जाएगा, लेकिन देखते शायद यहाँ पे रुक जाए कहीं पे और फाइनल में नहीं पहुँच पाए तो फिर हम लोग देखते हैं। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते गाइस। तो फाइनल में आ चुका है बॉट बैच गाइस, और इसमें बस एक नंबर बचा है जिसको हमें बाहर करना है, वो है ये सुपरमैन भाई। तो इसको हम लोग बाहर करने के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं गाइस। वैसे ये काफ़ी सही तो खेल रहा है, लेकिन मुझे बस एक हिट देनी गाइस, एक अच्छी सी प्यारी सी स्वीट हिट देनी है जिससे बाहर हो जाए। और शायद वो बाहर हो जाएगा गाइस, कीड़ों से टकरा रहा था, मेरे हाथों में कानून लेना पड़ेगा। अभी आता हूँ भाई इसके पास, एक अच्छी हिट और ये बाहर। ये थोड़ा सा गंदा सा हिट हो गया, लेकिन ऐसी हमें एक और अच्छी हिट मारनी पड़ेगी। आ रहा हूँ भाई, बस आ रहा हूँ मैं। वो भी बच रहा है, एक तो क्या मुझे ही बचना है ना गाइस, वरना मैं बाहर हो जाऊँगा तो मतलब नहीं अगर वो जीत जाए तो। इसलिए मुझे खुद सर्वाइव करके इसको मारना है, और अभी थोड़ी मुश्किलें हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, मैं पहले एक काम करता हूँ, खुद टिक लेता हूँ थोड़ा सा। वो बचा है क्या? हाँ वहाँ पे अभी घूम रहा है, थोड़ा सा मैं बच लेता हूँ गाइस। अरे नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे यार क्या हो रहा है? अरे मैं जीत गया गाइस, पता नहीं कैसे भाई बच गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी। और वो लास्ट टाइम पे बाहर हुआ है जब मैं बाहर होने वाला था उससे पहले। तो न्यू गेम में आ चुके हैं हम लोग गाइस नए नूबर्स को ढूंढने के लिए और उनको अरेस्ट करने के लिए, ताकि हमें मिल जाए एक अच्छा सा प्रमोशन और बहुत सारी पेमेंट। और सामने मुझे एक बंदा दिख चुका है भाई जो कि नूबर है, इसका नाम कुछ सैंडी टाइप में है। तो उसको बताना पड़ेगा, ये मेरे जस्ट आगे है, लेकिन इसको मैं मार नहीं पाया, किसी और सिविलियन को लग गई। ये मेरे जस्ट आगे गाइस, जस्ट आगे पड़ी क्या भाई, किसी और में पड़ी लग रहा है। ये बहुत ही शातिर चोर है, और वो नीचे गिर चुका है गाइस हैमर के भरोसे। थोड़ा हमने प्रेशर डाला तो शायद उस पर प्रेशर आ गया, जिसके कारण उसने गलती करी और वो नीचे गिर गया। तो अब बाकी लोग को देखना है, एक तो बाहर हो चुका है, अब कोई चांस नहीं है वो अंदर आ जाए। बाकी में से देखते हैं अगर कोई नोवर निकल जाए तो गाइस। वैसे अभी तक तो कोई निकला है नहीं, तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा मुझे, सही है यार। तो हम लोग अंदर चलते हैं अब। तो अगर कोई नोवर बचा हो तो भाई अपने हथियार निकाल दे और मुझे यहीं से दिखा दे। वैसे हो सकता है ये ग्रीन वाला होगा गाइस, क्योंकि इसके पास स्पेशल स्किन है, हो सकता है, वैसे पक्का नहीं है लेकिन हो सकता है। यहाँ पे किसी ने केला फेंका, ओके तो केले के पास केला इमोट है गाइस, तो ये बहुत सही स्किन पहन क्या है अपने इमोट के हिसाब से। तो इसको बाद में देखना पड़ेगा, अभी तो वैसे मैं इसको ज़्यादा कुछ कर सकता नहीं हूँ गाइस, नेक्स्ट राउंड में ही देखते हैं इसको। तो गाइस फाइनल है, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ग्रीन वाले के पास नहीं होना चाहिए और केले के पास है बनाना इमोट। तो देखते हैं अगर इन दोनों में से कोई आया तो मैं मार के नीचे गिरा दूंगा, और कोई भी जीते तो हमें कोई दिक्कत नहीं गाइस। अगर एस्ट्रोनॉट जीतता है तो, वैसे जीतने लायक है नहीं, नीचे गिर चुका है। तो यहाँ पे जीतने लायक सिर्फ एक बंदा है जो कि हूँ मैं खुद, साले तू। तो देखते हैं मैं जीत पाता हूँ कि नहीं, वैसे मैं तो बहुत आराम से जीत जाऊँगा गाइस, लेकिन हम हैं एक ईमानदार पुलिस वाले तो हम एक सिविलियन को जिताते गाइस। तो एस्ट्रोनॉट आ रहा है अच्छे से, अगर इसके पास इमोट नहीं हुआ तो मैं इसको जिता दूंगा, खुश भी है बंदा बहुत। इसके पास इमोट नहीं है शायद से, तो भाई तू अंदर चले जा। और इसी के साथ हमने हमारी ड्यूटी पूरी कर दी गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी स्टंबल गाइस की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरे पिछले स्टंबल गाइस का गेम प्ले देखना हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, देख लो दबा के।